भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो कि मुंबई से लेकर साबरमती गुजरात तक चलने वाली जापान के शिनकानसेन E5 सीरीज बुलेट ट्रेन होगी, लेकिन इसे भारतीय यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस बुलेट ट्रेन में 690 यात्री सफर कर सकेंगे। इसमें फ्लाइट की तरह फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास सीटें होंगी, जबकि इसमें आपको फ्लाइट से भी ज्यादा आरामदायक सीटें मिलेंगी। एसआरसीएल के अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में इसमें 10 कोच होंगे, लेकिन बाद में 16 कोच कर दिए जाएंगे। इस बुलेट ट्रेन के फर्स्ट क्लास में 15 सीटें होंगी, जबकि बिजनेस क्लास में 55 सीटें और इकोनॉमिक्स क्लास में 620 यात्री सफर कर सकेंगे। इसमें प्लेन से ज्यादा स्पेस के साथ आने वाली टॉयलेट मिलेगा। इसके अंदर एक स्पेशल कमरा भी होगा जिसमें कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, और इसके साथ ही कोई बीमार आदमी भी उसमें आराम कर सकेगा। इसके अलावा प्लेन की तरह ट्रेन में भी सामान रखने के लिए ओवरहेड लगेज रैक मिलेगी। दो सीटों के बीच अच्छा स्पेस मिलेगा और फर्स्ट व बिजनेस क्लास की सीटें मूव कर सकेंगी। LED लाइटिंग के साथ ही पढ़ने के लिए रीडिंग लैंप भी मिलेगा। कोई भी व्यक्ति आराम से पढ़ना या कोई भी काम करना चाहे तो कर सकेगा। यहाँ पर मोबाइल फोन, लैपटॉप, अन्य डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। मुंबई से साबरमती के बीच 508 किलोमीटर तक चलने वाली इस बुलेट ट्रेन का ट्रायल 2026 में सूरत से बिल्मोरा के बीच होगा। यहाँ पर यह बुलेट ट्रेन ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से दौड़ेगी। इसकी अधिकतम अगर स्पीड की बात करें तो 350 किलोमीटर पर हावर की होगी।